हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जयपैक वॉइस। आप लोग सोच रहे होंगे व्लॉग है सस्पेंशन का, सस्पेंशन इतने छोटे पैकेट में आया है, तो नहीं भाई ये सस्पेंशन नहीं है। सस्पेंशन हम आपको दिखाएंगे इसी व्लॉग में आगे। बेसिकली सस्पेंशन ऑर्डर करने से पहले मैंने ऑर्डर किया ये ग्रैब हैंडल काइंड ऑफ थिंग। बेसिकली जो रिवो थी उसको मैंने जब अपलोड भी कर दिया तो मेरी फैमिली को उसमें बैठने में मसला नहीं होता था, पीछे वाले पैसेंजर्स को स्पेशली, क्योंकि उसमें ये ग्रैब हैंडल पीछे मौजूद है, ठीक है। जबकि फॉर्च्यूनर में सैडली पीछे ग्रैब हैंडल मौजूद नहीं है, तो अगर आपको चढ़ के बैठना है तो पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है जो आपको सपोर्ट दे सके बैठने में। तो ये वो सपोर्ट देने के लिए मैंने बहुत इंटरनेट पे सर्च किया, मुझे कोई ऐसी प्रोमिनेंट चीज़ नहीं मिल रही थी जो मैं परमानेंट गाड़ी में लगा दूँ जो कि बहुत बुरी भी ना लगे, तो मैंने ऑर्डर किए ये जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। खैर ये काइंड ऑफ हैंडल्स हैं, लोग इसको एज अ टो हुक लगा लेते हैं, लेकिन JDM गाड़ियों में इनको पीछे लगाया जाता है बम्पर के नीचे। ये गाड़ी जितनी लो होगी ये जितना ज़्यादा घिसा हुआ होगा वो एक प्राउड काइंड ऑफ थिंग ना देखा जाता है JDM कल्चर में। लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे एज अ ग्रैब हैंडल, देखेंगे कि क्या हम कामयाब हो पाते हैं, क्या ये चीज़ जो है वो एक नॉर्मल इंसान का वेट बर्दाश्त कर पाती है, और कोई भी बंदा जो इसको पकड़ के बैठता है तो उसको पकड़ने में ये टूट तो नहीं जाता, ये सब हम देखेंगे। लेकिन खैर अभी शुरू करते हैं अपनी आज की एपिसोड, आपको दिखाते हैं कि हमने क्या सस्पेंशन रिसीव किया है। आप देख सकते हैं हमने सामान रिसीव कर लिया, हमारा सस्पेंशन आ गया है, और वी आर गोइंग फॉर आयरन मैन दिस टाइम। और आप लोग इस स्प्रिंग का साइज़ देख के ना आप लोग आई थिंक सो इमेजिन कर सकते हैं कि हमें कितनी ज़्यादा लिफ्ट मिलने वाली है, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड, चलते हैं वर्कशॉप, ये सस्पेंशन लगाते हैं और देखते हैं कि क्या जो है ना वो आउटकम आता है ना। तो बॉयज वी आर हियर एट अवर वर्कशॉप, और जो हमारी मारखोर है उसकी टांगे उड़ गई हैं। बड़ा हरामी हो बेटा, मतलब टायर हवा में है उसके, और इधर आ गया है हमारा सस्पेंशन। तो अब जितने भी हमारे जो एक्सपर्ट है ना वो भी कमेंट में कूद जाएंगे ना, तो वो जितने भी एक्सपर्ट हैं उन लोगों को मैं बताता चलूं। हमारे पास फ्रंट पे नाइट्रोजन गैस है, बैक पे हमारे पास फोम सेल है। अब ये मिक्स प्लेट बनाने का रीज़न है क्योंकि हमें कंफर्ट चाहिए, ठीक है, और साथ में हमें हाइट भी चाहिए। तो उसमें जो है ये आई थिंक सो जो मेरा एक्सपर्ट है, जो मेरा रैली एक्सपर्ट बॉय है, उसके हिसाब से ये परफेक्ट सेटअप है ना, ठीक है। तो आई डोंट नो मच अबाउट SUVs, लेकिन मेरा जो रैली एक्सपर्ट बॉय है ही नोज अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट, ठीक है। तो थैंक्स टू माय बॉय। और जो ज़्यादा करें स्प्रिंग की बात, तो स्प्रिंग जो है हमारे पास वो है टाइगर रेसिंग के स्प्रिंग्स, ठीक है, बहुत ही ऑन सीन होने वाला है, ठीक है। और इधर हमारे पास है हमारा जेंगो, जेंगो फुल चिलिंग कर रहा है, ठीक है। जेंगो हमारे पास यहीं पर आपको पाया जाएगा, जेंगो इज़ वेरी क्यूट। और चलें लगाते हैं हम अपने सस्पेंशन और आपको दिखाते हैं रिजल्ट्स। सो बॉयज हमारा फ्रंट सस्पेंशन इंस्टॉल इज़ कम्प्लीट, रेयर सस्पेंशन इज टू बी इंस्टॉल्ड, और जो लिफ्ट आया है ना इसमें वो बहुत ही मैसिव है, और दिस लिफ्ट इज़ गिविंग मी गूज बम्स, आई एम लिटरली लविंग दिस लिफ्ट। और जो व्हील्स आपके भाई ने चूज़ किए हैं, मतलब पसंद तो मैंने कर ली है, थोड़ा सा घुमाऊंगा मैं तुम लोगों को अगले व्लॉग में, लेकिन जो मैंने पसंद किए हैं वो व्हील्स जब इस लिफ्ट के साथ इस गाड़ी पे जाएंगे ना, तो दिस कार विल एक्चुअली बी मॉन्स्टर ना, मतलब फुल मॉन्स्टरस ना, तब और ऊंची हो जाएगी है ना, अभी जितनी ऊंची है उससे भी ऊंची हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल सीन्स होने वाले हैं बॉयज। अभी हम करते हैं इसका बैक वाला सस्पेंशन इंस्टॉल और अलाइनमेंट वगैरह कराते हैं, इसके कस्टम मैट्स आ गए हैं हम आपको वो दिखाते हैं और करते हैं मज़ीद बातें। सो बॉयज दीज आर द बोट स्प्रिंग्स, इस तरफ मौजूद है हमारा पुराना स्प्रिंग, इस तरफ मौजूद है हमारा नया स्प्रिंग, सही है। अभी मैं आपको इसके बाद शॉकर्स भी दिखाऊंगा ना कि पुराने और नए शॉकर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और उनकी हाइट में कितना डिफरेंस है, ताकि बेहतर हम जज कर पाएँ। और क्वालिटी ऑफ मटीरियल जो है ना, अगर उसको भी हम क्लोजली देखें, तो जो हमारे न्यू स्प्रिंग है दीज आर, मतलब ये थोड़े से ज़्यादा मोटे हैं और लुक्स बेटर, और आई होप माई राइड विल बी बेटर, और उम्मीद ही है, उम्मीद पे दुनिया का आयम है। सो बॉयज इधर हमारे पास शॉकर्स आ गए हैं। अब मैं अगर शॉकर्स की बात करूँ ना, इन दोनों शॉकर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब ये इसको देख लें और इसको देख लें, ये ऐसा लगता है ये लेग डे करता था बंदा और ये लेग डे नहीं करता था ना, ठीक है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, तो इतना ज़्यादा फ़र्क है दोनों में ना। उम्मीद करता हूँ कि जब अंदर जाएगा तो ये बहुत मज़ा कराएगा। इसको डालते हैं गाड़ी में और हम आपको फाइनल
जो लुक है गाड़ी का वो चेक कराते हैं पीछे से। बॉयज आई जस्ट कांट वेट इनफ कि बस किसी तरह ये सस्पेंशन फिट हो और मैं गाड़ी चला के देखूं। मतलब बिल्कुल जो सबर का पैमाना है ना वो लबरेज हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। सो बॉयज वी आर बैक इन द कार और मैंने आप लोगों को फाइनल लुक नहीं दिखाया क्योंकि मैं हूँ बहुत बेसब्रा इंसान और जैसे ही सस्पेंशन लगा मैंने कहा भाई मुझे जाना है ड्राइव पे और यकीन मानो आई एम लविंग इट। आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। मतलब जो है ना स्मूथनेस ड्राइव की वो नेक्स्ट लेवल हो गई है। ये गड्ढे जो है ना वो ऐसा लग रहा है मतलब कुछ है ही नहीं ना, गड्ढे वड्ढे क्या है ना, मतलब कराची के गड्ढे मतलब पता ही नहीं चल रहा ना, ऐसा मलाई मक्खन जो है ना वो गाड़ी ऐसे तैर रही है रोड पे। यकीन मानो बहुत नेक्स्ट लेवल सीन्स हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हो गया है मेरे मालिक का और आई एम लविंग द राइड। राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वन प्लेस, वहाँ चलते हैं, हम आपको कुछ व्हील्स के ऑप्शंस दिखाते हैं। ठीक है, तो फैद भाई हैं फ्रॉम हाशमी ऑटोमार्ट, वो मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे हमारे पास कुछ व्हील्स आए हुए हैं, आप आएँ आके चेक करें और मुझे पिक्चर्स में बड़े अच्छे लग रहे थे तो हम चलते हैं और आपको डिफरेंट व्हील्स दिखाते हैं, आपसे पूछते हैं कौन से व्हील्स हमें लगाने चाहिए। और व्हील्स हम इस एपिसोड में नहीं लगाएंगे, व्हील आपका भाई व्हील आने वाली कमिंग एपिसोड्स में करेगा। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक मैं रिवील करूँगा हमारे नए व्हील्स इंशाल्लाह अज़ीज़। और चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ के सीन्स। सो बॉयज़ ये अचानक मैं किधर आ गया हूँ, बेसिकली हम मौजूद हैं हाशमी ऑटोमार्ट पे एज आई टोल यू गाइज और ये हैं उसैद भाई, इन्होंने मुझे बताए थे व्हील्स। और ना मतलब मैंने किसी भी एसयूवी पे ऐसे व्हील्स नहीं देखे ऑनेस्टली। ठीक है, मेथड मेरा एक ही लव है, ठीक है, लेकिन अगर मेथड के बाद मैंने किसी पे स्विच होने का सोचा है तो वो ये हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताने हैं, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन मौजूद हैं, ये दोनों होलो व्हील्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हमारा जो एम है वो गोल जो है वो है कि हम अपनी गाड़ी को बनाएं जैसे लोग थाईलैंड में बनाते हैं, फुल एग्रेसिव लिफ्ट और साथ में बिग साइज व्हील्स। तो हेयर आर द बिग साइज व्हील्स, नाउ यू गाइज हैव टू टेल मी विच वन टू चूज, दिस वन और दिस वन। आई विल बी वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, नीचे कमेंट में कूद पड़ो और बताओ। और उसके अलावा यहाँ पे इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, सस्पेंशन और पार्ट्स एंड एवरीथिंग, इसकी भी डिटेल टूर करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में जब हम इनके पास वापस आएंगे व्हील्स लगवाने के लिए। और जब तक के लिए मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों का कि आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि विच वन शुड वी चूज। तो बॉयज़ आई वॉज अबाउट टू हेड होम तो ब्रो ने बोला कि आए मैं आपको चेक कराता हूँ, इनकी फैसिलिटी है ये और काफ़ी बड़ी है माशाल्लाह, यहाँ पे ये लोग रैप पीपीएफ एवरीथिंग ऑफर करते हैं। उसके साथ साथ लालच दे दी ना बॉय ने, खर्चा वैसे ही बहुत हो रहा है। ये है इनका आरएस सस्पेंशन, ठीक है, और ये एडजस्टेबल है शॉकर के साथ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना रेजरवायर होता है और रेजरवायर के ऊपर वो आपको एक छोटी सी राउंड नॉब दिख रही है, ये जो नॉब है ना ब्रो इससे आप लोग अपने सस्पेंशन को ट्यून कर सकते हैं, जी हाँ खुद से ट्यून कर सकते हैं। मतलब काफ़ी हाई परफॉर्मेंस सस्पेंशन है और ब्रांड न्यू अवेलेबल होता है। यूजुअली जो आफ्टर मार्केट सस्पेंशन के लिए लोग जाते हैं इस लेवल का वो या तो लोग यूज़ में डाल रहे होते हैं या तो फिर लोग समझते हैं कि बस दुनिया में किंग्स और फॉक्स के आगे कोई दुनिया ही नहीं है ना, तो दुनिया है। और कोई ऐसा आपके पास यहाँ पे मौजूद है ऑप्शन जो आपके पास रिजर्वायर वाला शौक है प्लस वो आपको यहाँ पे वारंटी देते हैं, इसकी वारंटी के साथ आपको सर्विस अवेलेबल है, तो वुड बी अ गुड ऑप्शन टू गो। लेकिन काश मैं पहले इसकी बात सुन लेता, थोड़ा सा अफसोस हो रहा है मुझे लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो बॉयज हियर इज़ अवर मार्क 4। मार्क 4 जो है ना वो बहुत लिट लग रहा है लेकिन जो है इसको लैड बनाना पड़ेगा अली भाई की तरीके से ना। अब लैड बनाने के लिए इसके कस्टम मैट्स आ चुके हैं, हम वो भी डालेंगे अभी इसमें। अब जहाँ तक रही लिफ्ट की बात, अब मैं इस गाड़ी को थोड़ा चला के आया हूँ 10-15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चलाने के बाद जो मेरी अजम्पशन है वो ये बोलती है कि पीछे से गाड़ी ज़्यादा ऊंची है और आगे से नीची है, रियो वाले मसले पे हम आगे खड़े हो गए हैं। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। फ्रंट पे कॉइल ओवर्स हैं लेकिन कॉइल ओवर्स टाइट करेंगे तो गाड़ी स्टिफ हो जाएगी, तो प्रॉबेबली मैं इसमें स्पेसेस रखूंगा। ये हम आपको सीन दिखाएंगे अगले एपिसोड में कि हम क्या करेंगे। राइट नाउ जो है ना वो हम अपने मैट्स को अनपैक करते हैं, मैट्स लगाते हैं गाड़ी में और आपको उसके कुछ अमेजिंग शॉट्स दिखाते हैं। Let's go. So boys, here are our mats, custom mats, made on order for us. अगर आपको भी custom mats बनाने हो तो आप भी कार्गो पाकिस्तान से contact कर सकते हैं।
स्क्रीन पे जो है वो उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट आ रहा है। ये मेक अमेजिंग क्वालिटी ऑफ मैट्स, ठीक है, और कलर फिनिशिंग हर चीज़ आप देख सकते हैं। ये जवामार खोर, लेट्स पुट दीज मैट्स इन अवर कार और देखते हैं ये कैसे लग रहे हैं। आई एम लविंग दीज मैट्स और मतलब द थिंग इज़ गोइंग वेरी परफेक्ट माशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हमने की सस्पेंशन अपलिफ्ट, अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कौन से वाले व्हील शूज करूँ, लेफ्ट या राइट। और ये भी मुझे जरूर बताइएगा कि गाड़ी की जो हाइट है वो काफी है, आगे से थोड़ी सी ऊंची की जाए गाड़ी मजीद, या फिर व्हील्स डाल के फिर सोचा जाए कि आगे से ऊंची करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इन सब सवालों के जवाब का तलबगार रहूंगा मैं आप लोगों से। सारी उर्दू मैंने आज ही बोल दी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।